सवाल है प्रेम शुक्ला जी, बड़ा नेता नहीं वसुंधरा राजे सिंधिया को इग्नोर करके नुकसान तो कहीं नहीं आप लोगों को हो जाएगा। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कोई गुटबाजी नहीं है, अभय दुबे जी ने तमाम अखबारों की हेडलाइन पढ़ के आपको सुना दी, ऐसा तो नहीं कि राजस्थान के अखबार आप नहीं पढ़ रहे आजकल? देखिए ये नकारा निकम्मा अशोक गहलोत कह रहे हैं वो वर्थलेस आदमी है, किसी काम का नहीं सचिन पायलट के लिए, इस तरह का एक स्टेटमेंट दिखा दें। ये तो दैनिक भास्कर जो इनके पेड न्यूज पे चल रहा है आजकल, दैनिक भास्कर जो है वो अशोक गहलोत का पेड न्यूज चलाता है, हर कोई जानता है। करने की बजाय हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं राजस्थान में इन दिनों जो है। प्रेम शुक्ला जी मैं कहूंगा टिप्पणी ना, उन्होंने कोट किया उसको, इसलिए बता रहा हूँ मैं, इसलिए कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कोट किया दैनिक भास्कर। ठीक है, बोलिए अपनी बात। दैनिक भास्कर जो है बिके हुए अखबार का और भारतीय जनता पार्टी की आपकी निजी राय है, व्यक्तिगत राय है, मैं हम लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं कुछ भी कहें, लेकिन मेरा मुझे लगता है मुद्दे पे बात करें तो बेहतर है। ठीक, मत रखिए इत्तेफाक, मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखूं जरूरी नहीं है। अब आप तो मुझे इत्तेफाक रखवाना चाह रहे हैं, मैं आशुतोष जी की बात से इत्तेफाक रखूं। भाई भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि आदरणीय वसुंधरा राजे जी हमारी वरिष्ठ नेता है, उनका सम्मान और उनके साथ एक हमारे पास नेताओं का एक जो है गुलदस्ता है, और सब मिलकर एक दूसरे से समन्वय बनाकर कांग्रेस के कुशासन से राजस्थान को मुक्ति दिलाने का संकल्प लिए पड़े हैं, और उसका परिणाम आपको दिखाई देगा। इसमें हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो भ्रष्ट अशोक गहलोत हैं उनको चिंता करने की नहीं, अगर वसुंधरा राजे, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी जो अनुसूचित जातियों की महिलाओं पर लगातार बलात्कार करवाते हैं उनको चिंता नहीं, नहीं एक मिनट आशुतोष जो कह रहे थे उसमें जो जिस उन्होंने एक विधानसभा क्षेत्र का जिक्र भी किया, ये मुझे बताइए अगर वसुंधरा राजे नाराज हैं, अगर वो एक्टिव नहीं रहेंगी चुनाव में, तो क्या आपको लगता है कि उसका आपको नुकसान नहीं होगा? मैं अगर मगर का जवाब क्यों दूं भाई, वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लिए पड़ी है, वो आशुतोष जी के पूछ के थोड़े राजनीति कर रही है, वो आशुतोष जी की सलाह पर जिस दिन वो राजनीति करेंगी उस दिन नाराज हो जाएंगी। आशुतोष जी जवाब देना चाहिएगा, फिर मैं अभय जी के पास जाऊंगा। ये प्रेम शुक्ला जी की बड़ी अच्छी आदत है कि हमेशा आशुतोष जी के सम्मान में वृद्धि करते रहते हैं अपने डिबेट। मैंने तो ना तो प्रेम शुक्ला का नाम लिया, ना मैं समझता हूं कि मुझे प्रेम शुक्ला जी के नाम का जिक्र करना चाहिए। देखिए अभी गुटबाजी की बात हो रही है, इतने सारे अखबार हैं जो गुटबाजी की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, इंडियन एक्सप्रेस भी है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस है, स्टेट्समैन भी है। अरे भाई इनको चुप कराइए, इनकी आदत है बोलने की। तो ये सारे अखबार पेड हैं, मतलब जितने अखबार में मुझे आपका नाम लेकर पूछा गया इसलिए उत्तर दिया, मुझे आपका नाम जपने कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा ठीक है, अपनी अपनी बात रखिए। हाँ ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपको आप जब तक आशुतोष का नाम नहीं जपेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पेट नहीं भरता है, तो इसलिए आप चिंता मत करिए। नहीं मैं आशुतोष ऑर्डर दानी का जपता हूँ, आशुतोष गुप्ता का नहीं जपता। और आप अपना भाषण चुप रखिए अपने, आशुतोष ऑर्डर दानी का जपता हूँ, मुझे भी आपके सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे भी आप जैसे जातिवादी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे भी आप जैसे जातिवादी का और फ्रस्ट्रेटेड पत्रकार का थोड़ा चाहिए भाषण बंद। आप जैसे हम लोग व्यक्तिगत चर्चा में सम्मिलित नहीं होना चाहेंगे। एक मिनट आशुतोष जी, प्रेम शुक्ला जी, हम एक मुद्दे पे बहस कर रहे हैं, हम प्रेम शुक्ला जी और आशुतोष जी पे बहस नहीं कर रहे हैं, हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आशुतोष जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ अरे उन्होंने आपने आशुतोष जी का नाम लेके पूछा, मैंने आशुतोष जी का नाम ले लिया, नाम लेने पर इतना चिढ़ गए वो, मैं भी आपका भाषण सुनने नहीं बैठा हूँ, भाषण बंद रखें, और आप भाषण देने लायक नहीं है। अरे आपस में मत लगिए भाई, आप दोनों मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं, सम्माननीय मेहमान हैं, चलिए इस चीज को छोड़िए, अब चर्चा मुद्दे पे करते हैं। चलिए ठीक है अभय दुबे जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।